आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? आज क्रांति सेना के द्वारा इस देश की दोगली राजनीति के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं के नाम पूछ पूछ कर उन्हें गोली मारी, परंतु कोई भी, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, जयंत चौधरी हो, कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है। साथ ही भाजपा के गृह मंत्री जी ने भी उनके लिए किसी मुआवजे की घोषणा नहीं करी, जबकि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ वहाँ भारी मुआवजा दिया गया और सरकारी नौकरी भी दी गई और सभी नेताओं ने वहाँ जाने की होड़ मची रही। हमारा मानना है कि लखीमपुर खीरी में मारे गए भी हमारे हिंदू भाई हैं और वहाँ भी हमारे भाई मारे गए, सबके साथ में समान में होना चाहिए, उनके परिवार से वही पीड़ा होनी चाहिए जो लखीमपुर खीरी में हुई है। तो आज इसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। हमने अभी कुछ नेताओं के मुंह पर भी क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है, हमने लाल रंग इनके मुंह पर पोता है और ये लाल रंग खून, हिंदुओं का जो खून बहाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज हमने एक प्रतीकात्मक रूप से हमने किया है। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ और हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ा मुआवजा नहीं, कोई सरकारी नौकरी की उसमें नहीं है। हमारा कहना है जब हर जगह जो कोई भी शहीद हो, कोई भी मारा जाए, सबको समान रूप से मुआवजा मिले और समान रूप से सरकारी नौकरी मिले। और हमने जो और बाकी लोग हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग, कि जब तुम लोग वहाँ जा सकते हो, वहाँ जाने में तुम्हारे पर खुद मेहंदी लगी हुई है, ये दोगली नीति आप लोग क्यों करते हैं? आपको सब लोगों को समान तौर पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लगाया है, एक तो कलर नहीं है, ये जो हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है प्रतीकात्मक रूप से प्रतीक है कि आज जम्मू कश्मीर जो हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है, मुसलमान लोग नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं से निकल के मार रहे हैं, जिसके गुस्से के प्रति हमने लगाया है।